नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके ट्विटर अकाउंट के लिए सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करवाता है। गाइस मैंने इससे पिछला वीडियो जो है व्हाट्सएप पर बनाया था, जिसमें मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है कैसे इनेबल करें व्हाट्सएप में, उसके बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, वो वीडियो देख सकते हैं और व्हाट्सएप पे आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो गाइस ये आपके अकाउंट को जो है एक्स्ट्रा सिक्योर करता है। सिक्योर यानी कि एक तो होता है आपके अकाउंट में यूजर नेम विद पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद में एक और जो है सिक्योरिटी होती है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली ये आपके अकाउंट को हैक होने से बचाता है और आपके अकाउंट को अनवांटेड पर्सन को एक्सेस करने से रोकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ गाइस। मेरे एक नोन है जिनकी जो है पबजी की आईडी हैक हो गई थी, और पबजी की आईडी हैक कैसे हुई, उसका किसी ने ट्विटर का अकाउंट जो हैक कर लिया। उसमें उन्होंने जो है अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं कर रखा था। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है आपके अकाउंट में तो उसको हैक करना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कोड आता है या फिर लिंक आता है तो उस पर कभी भी क्लिक नहीं करें, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था उसमें व्हाट्सएप में जो है OTP बेस्ड स्कैम की बात कही थी, कि जस्ट आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका व्हाट्सएप का अकाउंट हैक हो जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अनवांटेड पर्सन के पास वो एक्सेस हो जाएगा। तो सेम है, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल कर रखा है तो केवल उस कोड से या लिंक पे क्लिक करने के बाद में भी जो है वो पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको देखते हैं कि कैसे इसको इनेबल करें। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप ट्विटर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद में आप मेन्यू ऑप्शन में जाइए। यहाँ से आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट पे जाके क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाइए। यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है जैसे गाइस, तो यहीं से हमको अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। आप इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, या एक ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी की के थ्रू। इन तीन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है आप अपनी ऐप को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इनेबल करने को देख लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ से गेट स्टार्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको अपना ट्विटर का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करें और यहाँ पे आपको मैसेज दिखाएगा कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो लिंक्ड है ट्विटर से, उन पे आपको OTP भेजना है। तो आप यहाँ पे सेंड कोड का जो है ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके मैसेज पे एक टेक्स्ट जो है जाएगा, उसमें 6 डिजिट का एक कोड होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। Now all set, आपका जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाया टेक्स्ट मैसेज इनेबल हो चुका है। गाइस एक कोड ये यहाँ पे आपको दिखाएगा, इन केस मान लो आपके पास कोई कारण से मैसेज नहीं जा पा रहा है, टेक्स्ट मैसेज नहीं जा पाता है, तो ये जो है इमरजेंसी कोड है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके फेवरेट लिस्ट में डाल दें या फिर कहीं पर इसको नोट कर लें। तो जब भी मान लो आप कोई नई डिवाइस में लॉगिन करेंगे और आपके पास टेक्स्ट मैसेज कोई कारण से नहीं आ पाता है, तो आप ये कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना। तो इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट मैसेज नहीं चाहते हैं तो अब दूसरा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू भी आप इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम ये प्रोसेस देख लेते हैं गाइस। गाइस ये फीचर इनेबल करने के लिए आपके मोबाइल में ऑथेंटिकेटर ऐप होना ज़रूरी है। तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए या फिर ऐप स्टोर में, जो भी आपके पास फ़ोन है वहाँ पे आप ऑथेंटिकेटर ऐप जो है डालेंगे या फिर ऑथेंटिकेशन डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी ऐप है वो आ जाएंगी, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गया, और ये एक ऑथेंटिकेटर करके ऐप है, इस तरह से सिमिलर काफ़ी 10-12 ऐप जो है मेन जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो इनमें से अगर आप किसी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं या फिर कोई यूज़ कर रहे हैं
तो वही आप सेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें मैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऑलरेडी यूज़ करता हूँ कोई दूसरी ऐप्स के लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की जो है रेटिंग बहुत शानदार है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल जब आप अपने मोबाइल में कर लें तो उसके बाद में आप यहाँ से इसको इनेबल पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिंक ऐप नाउ, यानी कि आपके मोबाइल में जो ऑथेंटिकेटर ऐप है उसको लिंक करने के लिए एक मैसेज आएगा। तो आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्विटर आपको एक मैसेज देगा, पॉपअप मैसेज देगा, जिसमें लिखा होगा ट्विटर वांट्स टू ओपन ऑथेंटिकेटर। तो आप उसको ओपन पे क्लिक करें। यह आपकी ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ऐड टोकन का एक पॉपअप मैसेज आया जिसमें लिखा है डू यू वांट टू ऐड द टोकन नेम्ड, और उसके आगे आपका जो ट्विटर का हैंडल है, ट्विटर का जो यूजर नेम अकाउंट है उसका नाम लिखा होगा। तो ये आप कंफर्म आपको यहाँ पे करना होगा। इसके बाद में आपको यस पे क्लिक करके जो है आगे बढ़ना है। एक बार आप यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका लिंक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा लिंक हो चुका है। उसके बाद में 30 सेकंड का वन टाइम OTP यहाँ पे जनरेट होना चालू हो गया है। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप में मोर देन वन अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर मेरा जो है एक और अकाउंट में आपको यहाँ पे एक जो है OTP चल रहा है, और उसके नीचे मेरा ट्विटर अकाउंट का OTP भी जो है स्टार्ट हो गया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे कॉपी आ जाएगा, और नीचे कॉपीड करके लिखा हुआ भी आ जाएगा। आपको यहाँ पे फिर जो है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इस पे यहाँ पे या तो टाइप कर दीजिए या फिर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके जो है इसको वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के बाद में ये आपका ऑल सेट का मैसेज आ चुका है, यानी कि आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है। नीचे सिमिलरली जैसे पहले आया था एक बैकअप कोड आया है, जो कि इनकेस अगर आपको मान लो कोई वजह से मान लो कोड जनरेट नहीं हो पाता है तो ये बैकअप कोड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये बैकअप कोड केवल सिंगल टाइम है, यानी कि केवल एक ही बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो चुका है। आप इसमें मोर देन वन ऑथेंटिकेशन, जैसे मेरा टेक्स्ट भी इनेबल था, ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी इनेबल था, तो मैं एक बार बंद कर देता हूँ। आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं। तीसरा आपका आता है सिक्योरिटी की का गाइस। इसके बारे में मैं बता दूँ गाइस कि ये आपके ब्राउजर को या फिर कंप्यूटर में एक सिक्योरिटी की इनेबल करता है, जिससे कि आप जब भी लॉगिन करते हैं वो उस सिक्योरिटी की को यूज़ करेगा। इसके बारे में मैं फिर कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से जो है आप अपने ट्विटर अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर हमें नीचे बताइए। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।